जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। पहले तो वो रेड सोसाइटी को मैं बताई दूंगी कि इतना अच्छा चिंताधारा, एकदम बहुत चिंताधारा है जिनमें वर्ल्ड कैंसर डे तो गया, तो वो कैंसर पेशेंट्स इतना अफेक्टेड हुए आजकल, हर फैमिली में देखो होता है, रेशियो तो हो गया 10:1। तो उनके लिए ये ऐसा एक बीमारी है जो बहुत डिप्रेशन रहता है फैमिली को, और जिसको हुआ है वो बीमार को बहुत आता है। पर ये बीमारी ऐसा है जितना स्ट्रांग रहेगा आदमी 75% उसका विल पावर होता है। तो ये जो कार्यक्रम किया गया है ना, तो उसी से तो जितने भी कैंसर पेशेंट्स आज भी इधर उपस्थित है, और जिन लोगों को पैसा के हिसाब से इनको हेल्प भी किया जाता है, अवार्ड भी दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा, और ये जरूर उनका जीवन में और आयुष का आयु जो है ना, वो जरूर उसको और ज्यादा करेगा। इस महीने में सबका आशु आरोग्य कामना करती हूँ। जो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे विश्व में मनाया जाता है, हम लोग आज उसको मना रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच जन सचेतना सृष्टि करें। कैंसर एक दुर्भाग्य नहीं है, ये वो क्यूरेबल है। अभी आप देखेंगे तो हमारा भारतवर्ष में 60% व्यक्ति मुख्य गह्वर कर्कट में पीड़ित है, जो गुटखा खाने से होता है, गुटखा जो तम्बाकू सेवन करने से वो कैंसर फैलता है। लेकिन हमारा सचेतनता जो ये उसका जो जितना होना चाहिए वो नहीं होता, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे अभी क्लास नहीं 9th-10th के बच्चे भी इस बीमारी का शिकार में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं के में देखा जाता है, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विकल कैंसर भी ज़्यादातर हो रहा है, एवं यूट्रस कैंसर भी ज़्यादा देखा जाता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों का भी सचेतनता सृष्टि करना कि आप जब आपको पता चलता है कुछ आपके बॉडी में कुछ चेंजेस होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कीजिए। अभी हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत कुछ साधन बनाया है कैंसर रोगी के लिए, बहुत कुछ मुफ्त है, बहुत संस्थाएं काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से आप आरोग्य जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसे बोला जाता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उसी आधार पे इस तरह से स्वस्तिक फाउंडेशन का काम कर रहे हैं। पूरे भारतवासियों को एवं हमारे उड़ीसा वासियों को मैं लिंकन सुबुद्दी सबके मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु श्री जगन्नाथ जी से ये मांगूंगी कि कैंसर जैसी पीड़ा भरे रोग से हम सबको मुक्त रखें, और हमारा दायित्व है कि ऐसे रोग को आने से पहले अनेक रास्ते हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। प्रिलिमिनरी स्टेजेस में हमारा एग्जामिनेशन, चेकअप्स, ये सब हम कर सकते हैं। तो अगर प्रिलिमिनरी स्टेजेस में हम इन बीमारियों को पकड़ लें और इनका इलाज करवा लें, तो डेफिनेटली बहुत सारे आगे आने वाले खुशी भरे दिन देख सकते हैं।